हम चाहते हैं शादी अपनी मुकर्ररा तारीख पर हो। हम अहमन की बजाय आयशा का रिश्ता मांगने आए अपने बेटे के लिए। मेरी बेटी मुझसे कितनी बदगुमान हो जाए, मगर मैं उसकी खुशियों से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि उसकी खुशी शामीर में। दूसरा दिन है आज और सलमान भाई से मुलाकात। तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, फोन कर लो सलमान भाई को। दो दिन से फोन कर रहा हूँ, फोन बंद है। मेरा दिल, मेरा दुश्मन। थोड़ा सा ले लीजिए। मैं आयशा को बुलाऊं जरा। वो आपकी तबीयत कैसी है? जिंदा हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप मुझे ले चलें, मगर तुम क्या कर लेते हो यार? हमने तो फिर भी उनकी बातें बर्दाश्त कर ली। खुदा के लिए कोई और बात करें। बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया जफर। खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम बिला वजह क्यों सख्ती कर रहे हो? क्या हुआ मैं? सफर ने आयशा को कॉलेज नहीं जाने दिया और उसकी किताबें भी छीन के फेंक दी। चाचू ये गलत, आप एमन की गलती की सजा आयशा को कैसे दे सकते हैं? इस तरह तो वो बागी हो जाएगी। बगावत का सर कुचलना आता है मुझे। तो ऐसे खत्म करेंगे आप बगावत को? इस तरह जबर से तो उसके दिल में बदगुमानी आ जाएगी। तुम चुप रहो शामिर, तुम नहीं समझोगे। जवान बेटियों की इज्जत आप गीने की तरह उठी है और हमारी इज्जत तो वैसे ही दावदार हो चुकी है। लेकिन अब्बू ये उसका लास्ट ईयर है, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तुम्हें अगर उसकी पढ़ाई की इतनी फिक्र है तो शादी के बाद पढ़ा रहना उसे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। भाई साहब, मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी थी। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द शामिर और आशा का निकाह कर दिया जाए। सफर, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। लेकिन सज्जाद भाई और सलमा भाभी, उनका मुंह बंद कराने का बस यही तरीका है कि इनका निकाह कर दिया जाए, बस। आपको एतराज ना? नहीं जफर, भला हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मुझे एतराज है। क्या मतलब? मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सफर, गुस्सा नहीं करो। शामिर के कहने का मतलब है कि जब तक एमन नहीं मिल जाती वो ये शादी नहीं कर सकता है ना? यही बात है। बढ़िया मम्मी, बैठो। आयशा, आप बाबा को सच बताए ना। कौन सी बात पागल, बाबा शामिर मुझसे शादी नहीं करना चाहता।
इसने मुझे कई दफा कहा कि मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूं। मगर क्यों? क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करता है। क्या ये सच है? आयशा सही कह रही है। हर बार इसी तरह मुझे जलील करता रहा है और मैं हर बार अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब नहीं। शामी तुम मुझे क्या ठुकराओगे? मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूं। बाबा आप सलमान आंटी को हां करते, मुझे कोई एतराज नहीं। दफा हो जाओ यहां से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं किस लड़की से प्यार कर बैठे हो। वो जिंदा भी है कि मर गई? इस बच्चे का दिल तोड़ दिया तुमने। भाभी प्लीज ये ड्रामेबाजी ना करें मेरे सामने। अगर आपका बेटा राजी नहीं था तो मेरी बेटी को झूठे ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी इसे? सफर ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। बच्चा नहीं है भाभी, बहुत बड़ा हो गया। हमारे फैसलों की कोई अहमियत नहीं इसके सामने। अजीब लड़की हो तुम। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी सबके सामने ये बात करने की? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूं कि एक बार शादी हो जाने दो, शामिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बड़ी अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया। मैं नहीं चाहती कि अम्मी की तरह सारी जिंदगी मैं रो रो कर गुजारूं। अरे शगुफ्ता और जफर की तो बात ही ना करो, उन दोनों की उम्रों में कितना फर्क था और शगुफ्ता हर वक्त बीमार बिस्तर पे पड़ी रहती थी। लेकिन तुम तो माशाल्लाह से खूबसूरत हो, जवान हो, एक दफा शादी हो जाएगी ना, शामिर का दिल खुद ब खुद बदल जाएगा। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी ने सारा काम खराब कर दिया। बड़ी अम्मी इज्जत और मोहब्बत सबसे बढ़कर होती, और वैसे भी सलमा आंटी का नेचर मैं देख चुकी। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया, मुझे शामिर से शादी नहीं करनी। अगर तुम्हें फैसला ले लिया है तो फिर मुझसे किसी किस्म का ताल्लुक मत रखना, तुम समझ गई? बड़ी अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया जावेद, किसको फोन कर रहे हो? अरे सलमान को फोन कर रहा हूँ, और किसको करूँगा? सलमान भाई को खैरियत? एक हफ्ते से दुकान बंद है, ना फोन पे बात हुई है ना मुलाकात हुई है, टेंशन हो रही है मुझे। सलमान भाई मुझे ऐसे लगते तो नहीं है। तुम अच्छा सोचो जावेद, ना उम्मीदी क्यों दिखा रहे हो? अरे अच्छा सोचने से बुराई टल जाएगी क्या? इंसान को उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। वसीम भाई अस्सलामुअलैकुम। वसीम भाई मैं मुझे आपसे पूछना था कि सलमान कहाँ है? एक हफ्ते से दुकान भी बंद है, फोन पे भी बात नहीं हुई है, मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा दुबई क्यों, खैरियत? अच्छा। चले वसीम भाई शुक्रिया। जावेद क्या बात हुई तुम्हारी? अरे यार पिछले एक हफ्ते से दुबई गया हुआ है किसी जरूरी काम से,
आज शाम में वापस आ जाएगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं खुद सोचूं कि सलमान भाई तो ऐसे नहीं है। अब क्या करूं, टेंशन तो हो जाती है ना। शुक्र। ये क्या किया तुमने? सालों से बिछाई हुई बिसात को एक झटके में पलट के रख दिया। कितना समझाया था तुझे, कितना समझाया था कि सफर को इनकार मत करना, लेकिन तूने तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अम्मी ये मेरी शादी है, शतरंज का खेल नहीं जो आप ये सब कर रहे हैं। जिंदगी बदल जाएगी तेरी अगर आयशा से शादी हो जाएगी। दर-दर की ठोकरें खाने से बचाना चाहती हूँ तुझे मैं, जिंदगी भर की गुलामी से बचाना चाहती हूँ। क्यों नहीं समझता तू? मैं किसी की गुलामी नहीं कर रहा अम्मी, मैं मेहनत पे यकीन रखता हूँ। ठीक बने और कमकल, ये सब कुछ तेरा ही है। उसका कौन सा बेटा बैठा है? तू ही वारिस है, तू ही वारिस है पूरी जायदाद का। कैसी बातें कर रही, मुझे किसी की दौलत से कोई सरोकार नहीं। मत करे ऐसी बातें, छोड़ दे ये बेकार की बातें सोचना। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? और सारी जिंदगी उस शगुफ्ता लंगड़ी की खिदमत की है मैंने, नौकरों की तरह इस घर में मैंने काम किया है, आया की तरह आयशा को पाला है मैंने। उसको क्या पता था कि माँ क्या होती है? उसकी माँ तो ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। अच्छा बेटा, तुझे आयशा नहीं पसंद ना? कोई बात नहीं, एक दफा शादी कर ले, जब जायदाद तेरे नाम हो जाएगी ना तो अपनी मर्जी कर लेना, कर लेना दूसरी शादी। आपको पता भी है कि आप कितनी छोटी बात कर रही हैं? मत करें ऐसी बातें अम्मी, अगर ये बातें चाचू सुन लेंगे आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, इस घर में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसी हूं मैं, और पूरे खानदान में तुझे पता है शगुफ्ता की अहमियत थी, मेरी नहीं। वजह ये थी कि उसका मियां कमाता था, पूरा घर चलाता था वो, और एक तेरा बाप हमें नहीं पाल सका वो। छोटी छोटी चीजों के लिए जफर के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू जफर के आगे हाथ फैलाए। बस बस बहुत हो गया, तू जाएगा और सफर से माफी मांगेगा और इस मामले को रफा दफा करेगा, समझा? वरना पता क्या मैं वरना मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं, मेरा मरा मुंह देखेगा तू। छोटे बच्चों वाली जिद है, कैसी बातें? मैं ऐसा ही करूंगी, अगर तेरे सामने भी मुझे सिसकना है ना तो इससे भरी मौत है, मैं मरूंगी और आज ही मरूंगी मैं। अम्मी तुम लोग किसी को नहीं दोगे, मार दोगे अपने आप को, सब खत्म हो गया, सब आज मैं मारूंगी अपने आप। अम्मी भाभी ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ये जानते हुए कि शामिर किसी और से मोहब्बत करता है। अरे ये लड़का तो पागल हो गया, ना जाने किससे शादी करना चाहता है ये, और उसकी तो शादी भी हो चुकी है।
और आयशा, आयशा को तो मैंने बचपन से पाला है, माँ का प्यार दिया है उसको मैंने, हमेशा इसको मैंने अपनी बहू के रूप में देखा है। खुदा के लिए उसका रिश्ता मुझे दे दो। भाभी मैं फैसला कर चुका हूँ, अब जो होगा आयशा की मर्जी से होगा। मैं पहले भी गलत फैसला कर चुका हूँ जिसका नतीजा सब देख चुके हैं। मैं आयशा पे दबाव नहीं डालूंगा। जफर मेरी बात तो सुनो, जफर। चलो क्या करने लगी जी तू, इस तरह करता है कोई? मैं बात करूंगा उससे। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी मर्जी होगी तो ही मैं हाँ करूंगा। आपको कब से मेरी परवाह होने लगी? मेरी मर्जी की कोई अहमियत है आपकी नजर में? आशा, जब से अम्मी गई मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, अम्मी के जाने के बाद मैं यतीम हो गई। आपको मेरी कोई परवाह नहीं। किस अजियत से गुजर रही हूँ आपको क्या पता बाबा। मेरी औलाद, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा। मुझे वाकई नहीं पता था कि शामिल किसी और को पसंद करता। उससे क्या फर्क पड़ता है बाबा, होगा तो वही ना जो आप लोग चाहते हैं। औरतें तो गुलाम है आपकी नजर में। आपके खूंटे से हटकर मैं शामिर के खूंटे से बन जाऊं। क्या कह रही हो तुम आशा? सही तो कह रही हूँ बाबा, अम्मी ने तो अपनी जिंदगी पूरी कर ली और अब मैं भी एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारूंगी जिसके दिल में किसी और की मोहब्बत। बेटियां तो माँ का नसीब लेकर पैदा होती है। अच्छा बताओ क्या चाहती हो, क्या फैसला है? बाबा मेरी शादी की जो डेट आपने फिक्स की है उस पे मेरी शादी किसी से भी करवा दे, बस मुझे इस घर से दूर भेज दे, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। Thank you.
शादी कर। मेरा दिल मेरा दुश्मन। क्या करने चली थी तुम, कुछ अंदाजा है तुम्हें? तो और क्या करती, मेरे इतने सालों की मेहनत में पानी फेर दिया आप लोगों ने। मैं बरसों से कमाई हुई दौलत इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। आयशा पे सिर्फ मेरा हक है। खालिद, हम जफर को समझाएं कि शामिर की शादी सिर्फ आयशा से होगी, वरना 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 क्या? ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं परवीन। परवीन, खुदा के लिए ये लालच छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। इस पैसे के लालच में हमने अपनी इज्जत गंवा दी है, झूठी शानो शौकत हमारी खत्म हो चुकी है। बेहतर यही कि तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। जिद छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं? अपनी जिंदगी के 25 साल मैंने इस घर को दिए हैं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपना हिस्सा मांग सकूं? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जो हमारे खानदान की नाक पर तुम्हारी बेटी बट्टा लगा कर गई है। देखो, बेहतर यही है कि आयशा की शादी उस घर में हो जाए, इससे कम से कम हमारे बाप दादा की इज्जत बनी रहेगी। दुनिया पैसे की यार है खालिद, जिसके पास पैसा होता है ना, उसी के पास इज्जत होती है। देखा नहीं आपने, मिसाल आपके सामने है कि पता है ना उनको कि आयशा इकलौती है, हर चीज उसी की है, तो कैसे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? मेरे शामिर में ऐसी कौन सी कमी है? आयशा की शादी होगी तो सिर्फ शामिर से, बस। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रोती रहो यहां बैठकर, दो चार दिन में खुद ठीक हो जाओगी। अरे बहू, कहाँ जा रही है? एक तो अम्मी, मैं आपकी इस आदत से ना बहुत परेशान हूँ। आपको मेरी हर चीज से मसला है, कहाँ जा रही हो, किधर आ रही हो, आपको हर चीज पे इतराज है, बोलें क्या काम है? नहीं बेटी, मसला तो कोई नहीं है, जरूर जाओ, लेकिन इस हालत में बाहर निकलना घर से ऐसे वक्त ठीक नहीं होता। कौन सी तबीयत सही नहीं है मेरी? सही तो हूँ, अच्छी भली तो हूँ, क्या फजूल बातें कर रही हैं? आपकी तबीयत सही नहीं है, अगर ऐसी हालत में बाहर जाने से मना होता तो दुनिया की सारी औरतें ना अम्मी घर में बैठ चुकी होती। बाहर जा रही हूँ मैं बच्चे के लिए शॉपिंग करने, मगर नहीं, आपने तो जरूर लगानी है। नहीं नहीं खुदा ना खास्ता, मैं क्यों टोक लगाने लगी, अब जरूर जाओ, लेकिन बस ये दिखा रही थी तुम्हें मैं। देख, खुशी खुशी जाओ, देख मैंने ना फ्राके सी हैं, प्यारी है ना, है रंग अच्छा, प्यारी है ना, अच्छा अच्छा ना। अम्मी, आपको कैसे मालूम कि लड़की ही होगी? लड़का भी तो हो सकता है ना, आपको ऐलान हुआ है क्या? बताएं मुझे, क्यों आप दिल जलाती रहती है मेरा ये सारी हरकतें करके? नहीं बेटे, मैं क्यों जान सकती? और मेरे बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे बता रही हूँ मैं आपको, आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहना सकती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जा रही हूँ शॉपिंग करने। क्या सोचा तुमने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब दोहराए पे आके खड़ा हो गया हूं मैं। हाकिम साहब का फोन आया था, जवाब मांग रहे थे। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि अभी कुछ वक्त नहीं, उससे सफर मेरे ख्याल में सज्जाद भाई के घराने में कोई बुराई नहीं है। मतलब
हाँ कर दे। मैं मतलब अच्छी तरह सोच लो, देखो हमारी भलाई इसी में है, इस तरह हमारा ऐब भी छुप जाएगा और आयशा का घर भी बस जाएगा। दोनों बच्चे शादी से मना कर चुके हैं, मुझे डर है कि अहमन की बदनामी का दाग कहीं आयशा के मुस्तकबिल पर असर ना डाले। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बस। तुम अच्छी तरह सोच लो, जितना वक्त चाहिए लो, तुम्हारा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। मेरे भाई एक चीज का ख्याल रखना, हमारे बाप दादा की इज्जत तुम्हारे और आयशा के हाथ में। आयशा को समझाएं, बिलावजह जज्बाती हो रही है वो। क्या कहूंगे, वहां शादी ना करें, घर बिठा लूं उसे। वो लोग रिश्ता मांग रहे हैं। हेमन वाले किस्से के बाद पता नहीं इस घर में कोई रिश्ता लेकर आता भी है कि नहीं। इस तरह मेरी बेटी अपने बाप की घर की दहलीज में बैठी रहेगी। क्यों नहीं समझ रहे, वो लोग आयशा के लिए ठीक नहीं है। तो पहले क्यों खामोश रही? हाँ, क्योंकि पहले बात ईमन की थी या आयशा की। अब माने या ना माने, लेकिन आयशा से जो मेरा ताल्लुक जुड़ गया उसकी वजह से मैं 24 घंटे उसके लिए फिक्रमंद रहती। कभी बुरा नहीं चाह सकती उसका। अच्छा, बस अपने मशवरे अपने पास ही रखो। अब वैसे भी मैं औरतों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। अगर औरतें फैसले करने बैठ जाए ना तो चल गया दुनिया का निजाम। ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे? क्यों सबको इतनी तकलीफ दे रहे? क्यों इतना दुख दे रहे? तुम्हें तरस नहीं आता? जो तुमसे मोहब्बत करता है तुम उसे ही धोखा दोगे। धोखा? धोखा मैंने तुम्हें दिया था या तुमने मुझे? इस बात को धराना नहीं चाहती। तुम क्यों करना चाहोगे? तुम तो खुश हो। तुम तो आगे बढ़ गई हो ना। तन्हा तो मैं रह गया हूं, मेरी जिंदगी तो रुक गई। मारा, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जा सकती। मैंने तो तुमसे कभी मोहब्बत की नहीं। कहीं सच यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। बस कर दो शामी, मेरी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मायरा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को तसव्वुर नहीं कर सकता। रिश्ता हमेशा उस इंसान से जोड़ना चाहिए जो आपको चाहता है, ना कि जिसे आप। और आयशा तुम्हें बहुत चाहती है शामी, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देखी हो। दुनिया क्या कर रही हो? शामिल को कन्विंस करने आई ये तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, ये क्यों रुका हूं? अब कोई फायदा नहीं उसे समझाने का, इसने जो दुख देना था दे चुका। चाचू मेरी बात सुन। अब बाकी कुछ नहीं बचा सुनने को, अब एक बार शामिल की बात तो सुन ले। तुम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, चलो अंदर। मजा आ गया आज तो, बहुत अच्छी मूवी थी और खाना भी बहुत टेस्टी था। मेरी चॉइस ही ऐसी है। कैसी? शीशे में देख लो। भाग। जी वसीम भाई। जी जी मुझे याद है। अच्छा आप आ गए, चले ठीक है मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके। कौन है? यार वो ओनर का फोन था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो आएगा एडवांस लेने, वो आ गया। तो एक काम करो तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, उसको देकर आता। इतनी रात को लेने आ गया? हाँ आ गया है ना, जाओ लेकर आओ जल्दी से। अली, अली क्या हुआ? अलमारी तुमने खोली थी क्या? नहीं क्यों? यहाँ मेरा सोने का सेट पड़ा था जो अब नहीं है। हटाओ मैं देखूं। कहीं और तो नहीं रखा था? यहीं रखा था मैंने, वो मेरी अम्मी का सेट था। यार तुम इतनी बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था किसी मासी को मत रखना, किसी पे ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हम लोग। जरूर उसी ने चुराया होगा। कामवाली ने चुरा लिया? हाँ उसी ने चुराया होगा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। हटो पीछे, कहीं उसने पैसे तो नहीं निकाल लिए? पैसे गए, शुक्र है उसने पैसे नहीं चुराए। अगर ये पैसे भी जाते हैं ना रोड पे आ जाते हम। क्या होगा? अच्छा फिलहाल तो तुम ये उसके मुंह पर मार जाओ। जा। इस बार तो आपने मुजम्मल साहब हैरान कर दिए, आपने माल ही नहीं भिजवाया अभी तक। जफर साहब पिछले माल की पेमेंट क्लियर करेंगे तो आगे स्टैंड लेंगे ना। क्या मतलब? खालिद साहब मिल नहीं रहे, मेरा फोन वो उठा नहीं रहे, मैनेजर से जब पूछो वो कहता है कि आपके चेकों पर भी खालिद साहब ने साइन नहीं किए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तो आज इत्तेफाक से मैं आपके कारखाने की तरफ आ गया तो यहाँ आके पता चला कि। क्या पता चला? ये कि वो खालिद साहब की बेटी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कारोबार को तो डिस्टर्ब ना करें। जफर साहब आप अच्छी तरह जानते हैं सोग 3 दिन का होता है और यहां तो हफ्तों गुजर गए। मैं आपको यह बताने आया था कि मेरे गोदाम में ज्यादा जगह नहीं है, आप पैसे दें और अपना माल उठा लें। अब देखे ना परेशानी बता के तो नहीं आती ना।
ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जिनकी जवान औलादे जिस डगर पे चल रही हो, माँ बाप को सब पता होता है। अब आपके कारखाने में हर शख्स इसी टॉपिक पर बात कर रहा है। खालिद साहब की तो अकड़ टूट गई। अकड़? मुजम्मिल साहब, आप कारोबारी डीलर हैं, ये मेरे घर का मसला है, इसको आप ऑफिस में डिस्कस ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। माफ कीजिएगा सबर साहब, मुझे आपका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिनकी लड़कियां उनका सर झुका देती हैं, उन्हें बहुत थम के बात करनी चाहिए, समझे? कल सुबह तक पेमेंट जमा करा दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है और आपका दिल दुखा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जवान बेटी के बाप को सोचना चाहिए, ये मेरा आपको मशवरा है। चलता हूँ मैं। मुझे डर है कि अहमद की बदनामी का दाग कहीं आयशा के मुस्तकबिल पर असर न डाले। हेलो एजाज भाई, बड़ी अम्मी नाराज है मुझसे। तुम्हें क्या परवाह, अगर तुम्हें परवाह होती ना तो बड़ी अम्मी का मान रख लेती। बड़ी अम्मी, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज, अगर आप मुझसे नाराज रहेंगी तो मैं कैसे खुश रह सकूंगी? मुझे दुख देके तुम भी सुखी नहीं रहोगी। ऐसे तो मत बोलो, माँ अपनी औलाद को दुआ देती, पर दुआ नहीं। मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे रही थी, तुम भी मुझे ऐसे ही अजीज हो जैसे शामिर, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। बड़ी अम्मी देखिए, सबसे पहले इनकार शामिर ने किया था, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम अपनी बड़ी अम्मी का जरा सा भी मान रखती हो ना तो जफर को शादी से इनकार कर दो और शामिर के लिए हाँ कह दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। नहीं बड़ी अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। बड़ी अम्मी आप जाओ। मेरा दिल मेरा दुश्मन।